रियल लाइफ टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। नफरती चिंटू बिट्टू बजरंगी पर हरियाणा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। नफरती चिंटू बिट्टू बजरंगी को सीआईए ने गिरफ्तार कर लिया है, और सिर्फ गिरफ्तार ही नहीं बल्कि उसको उसके घर में घुसकर गिरफ्तार किया, गर्दन से पकड़कर घसीटकर जो है उसे पुलिस अपने साथ ले गई। इसका एक वीडियो भी सामने आ रहा है जिसमें सीआईए बिट्टू बजरंगी की गर्दन पकड़कर उसे घसीटती हुई नजर आ रही है। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बिट्टू बजरंगी के बारे में आपको थोड़ा सा बता दें, बिट्टू बजरंगी जो नूह हिंसा में जिसका हाथ है, जो नूह हिंसा का आरोपी है, और इसी के साथ नूह हिंसा से पहले ये लगातार भड़काऊ वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहा था। यहां तक कि ये मुसलमानों को उकसाने के लिए, भड़काने के लिए भी तरह तरह की बातें कर रहा था। ये वही है जो कह रहा था कि मुसलमानों तैयार हो जाओ, तुम्हारे जीजा आ रहे हैं। बिट्टू बजरंगी वही नफरती चिंटू है। अब बिट्टू बजरंगी पर जो है वो पुलिस की गाज गिर गई है और उसे गर्दन से पकड़कर जो है वो घसीटा जा रहा है। इसका एक वीडियो सामने आ रहा है, वीडियो आपको दिखाएंगे। इस वीडियो को कई लोग सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। फरीदाबाद न्यूज ने भी इस वीडियो को शेयर किया है। यहां पर लिखा है कि बिट्टू बजरंगी को पकड़ते हुए देखिए नू पुलिस का एक्शन। फरीदाबाद न्यूज, बिट्टू बजरंगी अरेस्टेड बाय नू पुलिस इन फरीदाबाद। यानी कि बिट्टू बजरंगी को जो है वो नू पुलिस ने फरीदाबाद में उसके घर से उसे अरेस्ट किया है। इसका जो वीडियो है आप भी देखिए किस तरह से सीआईए बड़ी कार्रवाई करते हुए गर्दन से पकड़कर उसे घसीट रही है और उसे अपने साथ ले गई। देखिए वीडियो। वीडियो आपने देखा, न्यूज 24 का ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं जिसमें वीडियो शेयर किया है। लिखा है, हिरासत में नू हिंसा का आरोपी बिट्टू बजरंगी सीसीटीवी में कैद हो गई पूरी घटना। ब्रजमंडल यात्रा से पहले बिट्टू ने सोशल मीडिया पर डाले थे भड़काऊ पोस्ट। तो यहां पर बिट्टू बजरंगी पर जो है वो नू हिंसा का आरोपी है। मोनू मानेसर भी इस तरह के वीडियोस बना रहा था, बिट्टू बजरंगी भी इस तरह के वीडियो बना रहा था, लेकिन अब नफरती चिंटू बिट्टू बजरंगी जो है वो सलाखों के पीछे अपने किए की सजा जो है वो भुगतेगा। इसी के साथ न्यूज 24 ने यहाँ पर एक और ट्वीट किया है, एक आर्टिकल भी शेयर किया है। इसमें लिखा है कि मेवात सीआईए की बड़ी कार्रवाई, बिट्टू बजरंगी गिरफ्तार, मुस्लिमों से कहा था जीजा का स्वागत नहीं करोगे। तो वीडियो उसने सोशल मीडिया पर बनाया था, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, और नू हिंसा से पहले ये मुसलमानों को लेकर कह रहा था कि स्वागत के लिए जो है फूल माला तैयार कर लो, तुम्हारे जीजा आ रहे हैं। और अब इनका हाल जो है वो आप देख रहे हैं। मोहम्मद जुबैर भी इस वीडियो को शेयर करते हैं और लिखते हैं कि बिट्टू बजरंगी को पुलिस ने उसके फरीदाबाद के घर से अरेस्ट कर लिया है। वहीं नरगिस बानो भी वीडियो शेयर करती हैं और लिखती हैं कि पत्रकार का कहना है कि इंटरव्यू के बाद एकदम से भारी पुलिस बल आता है और बिट्टू बजरंगी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वीडियो में आपने देखा होगा कि भारी पुलिस बल जो है वो आता है, बिट्टू बजरंगी के घर में घुसता है और उसके बाद बिट्टू बजरंगी को गर्दन से पकड़कर अपने साथ घसीटते घसीटते ले जाता है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वसीउद्दीन सिद्दीकी ने भी वीडियो शेयर करते हुए यहाँ पर लिखा है कि पत्रकार के मुताबिक इंटरव्यू के दौरान भारी पुलिस आती है और बिट्टू बजरंगी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। आधिकारिक ऐलान अभी बाकी है, अभी तक मोनू मानेसर की कोई खबर नहीं है। आपको बता दें कि ये बिट्टू बजरंगी, मोनू मानेसर, सुदर्शन न्यूज चैनल तो बकायदा इन्हें सम्मान पुरस्कार भी दे रहा है। अब बिट्टू बजरंगी पर तो गाज गिर गई है। बिट्टू बजरंगी को जो है पुलिस गर्दन से पकड़कर घसीटते हुए अपने साथ लेकर जा रही है, गिरफ्तार कर रही है। मोनू मानेसर का क्या होगा, इसका सभी को इंतजार है। अभिषेक यहाँ पर ट्वीट करते हैं, लिखते हैं, श्रीमान बिट्टू बजरंगी जी पकड़े गए हैं, फरीदाबाद में बैठे थे लेकिन हरियाणा पुलिस ने जांच के बाद उन्हें गिरफ्तार करना ठीक समझा, नू हिंसा के आरोपी हैं। यहाँ वो कह रहे कि क्या लगता है कि ये महोदय कितने घंटे जेल में रहेंगे। पिछली बार जिस दिन अरेस्ट हुए थे उसी दिन महाशय को जमानत मिल गई थी, इस बार ये कितने देर तक जेल में टिकते हैं, इसे लेकर भी सोशल मीडिया पर लोग जो हैं वो सवाल पूछ रहे हैं। वहीं न्यूज 24 का आर्टिकल भी मैं आपके सामने रख रही हूँ। इसमें बताया गया है कि बिट्टू बजरंगी पर कौन कौन सी धाराएं लगी हैं और बिट्टू बजरंगी से पुलिस पूछताछ जो है वो कर सकती है। यहाँ पर तस्वीर भी आप देख रहे होंगे जिसमें साफ साफ दिख रहा है
कि CIA अधिकारी जो है किस तरह से बिट्टू बजरंगी की गर्दन को पकड़े हुए हैं और उसकी गर्दन पकड़कर जो है उसे घसीट कर ले जा रहे हैं। इसमें हेडलाइन में लिखा है कि मेवात CIA की बड़ी कार्रवाई, बिट्टू बजरंगी गिरफ्तार, मुस्लिमों से कहा था कि जीजा का स्वागत नहीं करोगे। ये वीडियो उसका सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था, जिसमें एक विशेष समुदाय के खिलाफ टिप्पणी कर रहा था, विशेष समुदाय को भड़का रहा था, उकसा रहा था और यहाँ पर कह रहा था कि फूलमाला तैयार रखो, हम मुसलमानों तुम्हारे जो है वो जीजा आ रहे हैं, इस तरह की बातें ये कर रहा था सोशल मीडिया पर। हालांकि उसके बाद ये गिड़गिड़ाने भी लगा, रोने भी लगा। पुलिस ने जब इसकी जांच जो है वो शुरू की, जब इसकी छानबीन शुरू की, तब ये सोशल मीडिया पर गिड़गिड़ाते हुए रोने भी लगा कि मैं किसी का नाम नहीं बताऊंगा, किसी का कुछ भी नहीं बताऊंगा, मुझे अगर पकड़ना है तो पकड़ लो लेकिन मुझे परेशान मत करो। अब इस पे गाज गिर गई है और आप देख रहे हैं कि गर्दन से पकड़कर इसे घसीटते हुए पुलिस जो है वो अपने साथ लेके जा रही है। इसी के साथ इस आर्टिकल में लिखा है, हरियाणा के नूंह में सांप्रदायिक दंगे के मामले में पुलिस ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की है। भड़काऊ बयान का वीडियो वायरल करने के आरोपी बिट्टू बजरंगी को अपराध जांच एजेंसी टाबरू ने पड़ोसी जिले फरीदाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले कथित गोरक्षक बिट्टू बजरंगी के खिलाफ ASP उषा कुंडू की शिकायत के आधार पर नूह सदर थाने में भारतीय दंड संहिता की धाराओं 148, 149, 332, 353, 186, 395, 357 और 506 और आर्म्स एक्ट के तहत केस जो है वो दर्ज किया गया है। इसमें लिखा है कि हालांकि पुलिस की तरफ से फिलहाल बिट्टू बजरंगी की गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की जा रही है, ये प्रारंभिक सूचना है कि बिट्टू को केवल पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है, पुलिस ने अभी गिरफ्तारी नहीं दिखाई है। हालांकि News24 ने अपने ही ट्वीट में वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि बिट्टू बजरंगी को पुलिस जो है वो गिरफ्तार कर रही है। अब यहाँ पर लिखा है कि अभी पुलिस जो है वो पूछताछ के लिए उसे लेकर गई है, लेकिन जिस तरह से गर्दन से पकड़कर उसे घसीट कर लेके गई है, इससे तो लगता है कि बिट्टू बजरंगी जो है अब अपनी नापाक हरकतों के चलते इसका खामियाजा जो है वो जल्द ही भुगतेगा। यहीं लिखा है कि 31 जुलाई को नूह के नलेश्वर मंदिर के बाहर हिंसा भड़क गई थी, होमगार्ड के 2 जवान और 1 इमाम समेत कुल 6 लोगों की जान गई थी। विश्व हिंदू परिषद रविवार को पलवल में महापंचायत करके 28 अगस्त से ब्रज मंडल को फिर से शुरू करने का मन जो है वो बना चुका है, लेकिन उससे पहले ही बिट्टू बजरंगी पर गाज गिरी और बिट्टू बजरंगी को CIA ने गिरफ्तार कर लिया है। अब आप बिट्टू बजरंगी की इस गिरफ्तारी को लेकर क्या सोचते हैं? सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि ये महाशय ज्यादा दिन तक जो है वो जेल में नहीं रहेंगे, क्योंकि जब भी अरेस्ट होते हैं उसी दिन छूट जाते हैं। अब ये कितने दिनों तक जेल में रहेंगे? ये कार्रवाई सच में कार्रवाई है या सिर्फ दिखावे की कार्रवाई की गई है? आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।